हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं गगन खेरा थोड़ा अपने चैनल टेस्ट एंड ट्रेंड के उत्ते वेलकम करती हूँ। आई होप कि तुसी सारे जाने बहुत वधिया होवोगे। अज आप तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं डिफरेंट स्टाइल के पकौड़े। आप इतने आलू एंड प्याज के पकौड़े बनावे। वैसे तो तुसी सारे ने ही पकौड़े जिहड़े आ खाधे होणगे, पर अगर तुसी इस तरीके दे नाल पकौड़े बना के खाओगे तो पकौड़ियां दा टेस्ट डबल हो जाएगा। बहुत ही यूनीक जी रेसिपी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अगर अजे भी तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करो। सब तो पहला इतने आप 2 हरिया मिर्चा लिया ने, थोड़ा जहा कोरिएंडर लिया है, गार्लिक एंड जिंजर, ये तुसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी लेने ने। इतने आप एक ओनियन लिया है, 2 जड़े ने आप पोटैटोज लेने। सब तो पहला आप जो पेस्ट बना लवेंगे वो आप मिक्स के कोरिएंडर, जिंजर एंड गार्लिक एंड जड़िया हरिया मिर्चा वो ऐड कर दिखाई ने। इन्हों का आप एक पेस्ट बना लवेंगे। तो जोड़ा ये पेस्ट आप पकौड़िया यूज़ करा। दूसरी साइड जोड़ा है आप ओनियनस न लंबाई के कट करना है, बिल्कुल पतला पतला कट करना है तुसी। हाँ जी, जिहड़े अपने ओनियन ने आप कट कर लए ने। तो दूसरी साइड जिहड़े ने आप पोटैटो है उन्हें ग्रेट करांगे, बिल्कुल जिहड़ा बरीक वाला ग्रेटर हुंदा है उहदे विच मैं ग्रेट कर रही हाँ। तुसी चाहो तो तुसी जिहड़ा थोड़ा इस तो मोटे वाला ग्रेटर हुंदा उहदे विच भी ग्रेट कर सकते हो। इत्थे आप जिहड़े आ आलू उन्हां नूं ग्रेट कर लिया। दूसरी साइड अपना पेस्ट भी बन के रेडी हो चुके, जिहड़ा इहदे विच आप ऐड करांगे। थोड़ी जी मैं ये सूजी ली है, ये 1.5 स्पून है, 1 स्पून जिहड़ा मैं मेथी का लिया है, थोड़ा जिहा जीरा, अद्धा टेबल स्पून जिहड़ा है मैं नमक लिया है, थोड़े जे चिली फ्लेक्स, थोड़ी जी हल्दी ली है, थोड़ा जिहा आमचूर पाउडर। सब तो पहला जिहड़ा है आप स्पून या किसी भी चीज़ की हेल्प के नाल आलूआं दे विचों जिहड़ा है उन्हां दा पानी निचोड़ लवेंगे। उस तो बाद आप जिहड़े 2.5 टेबल स्पून जिहड़े ने मैं इतने बेसन के पाए ने, तुसी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली पा सकते हो। इतने आप 1 टेबल स्पून जिहड़ा ये जिहड़ा आप पेस्ट बनाया सी हरिया मिर्चा धनिए ते लसन अदरक का। दूसरी साइड आप जिहड़ी है सूजी पावांगे, सूजी सूजी के नाल इहदा टेस्ट बहुत क्रंची हो जाता है, तो मेथी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम आता है। तुसी जरूर मेथी जरूर पानी, तो नमक, चिली फ्लेक्स, थोड़ी जी हल्दी पाई है ये सिर्फ टेस्ट के लिए। हाँ जी, आमचूर पाउडर थोड़ा जहा, अच्छी तरह के नाल सारे जो आप मिक्स कर लवेंगे। इतने आप सब तो पहला जोड़े ने आलू के पकौड़े बनावे, फिर उस तो बाद आप प्याज के पकौड़े बनावे। ये अपना बैटर रेडी हो चुके, आप ऑयल जोड़ा है उन्होंने गर्म करना रख दिता है। हाँ जी, जो अपना ऑयल है मीडियम फ्लेम के उपर रखना है तुम्हें। हाँ जी, आप पकौड़े जोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं स्पून की हेल्प के ना, जोड़े मैं सारे ये पकौड़े पा देवे। छोटे छोटे पकौड़े आप बना रहे हैं, इन पकौड़ों बनने लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट में ये बन के रेडी हो जाते हैं। हाँ, एक साइड तो ये बन गए, आप दूसरी साइड चेंज कर देवे, क्योंकि ऑलरेडी आप जिहड़ा आलू है उन्होंने इन्ना ज़्यादा बरीक ग्रेट किया तो ये बिच्चों बिल्कुल कच्चे नहीं रहते हैं। हाँ जी, तुसी देख सकते हो कि इन्हों का कलर बहुत सोहना आ गया है, तो आप प्लेट के पकौड़ियां कढ लवेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। मेथी का टेस्ट ये टेस्ट नू होर भी इनहेंस कर देता है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं सोखते। हाँ जी, हम दूसरी साइड आप जो प्याज वाले पकौड़े बनावे, सेम आप जो पेस्ट बनाया सी जिंजर गार्लिक एंड चिली का धनिए का वो पा देवे। ये आप ना मेथी ऐड करा ना सूजी, क्योंकि ऑलरेडी जो प्याज पकौड़े होंगे बहुत क्रंची बनते हैं। ये चिली फ्लेक्स, धनिया, नमक, ये हींग पावे,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਨ ਦੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਕੌੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੱਕਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨੀਅਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਐਂਡ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਲੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ